तरीका ये देखो अंडा, ये देखो कितना सारा है यहाँ में। वाह पूरा खा सकते इसको, रेडी होना पड़ेगा। एक दो तीन, सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी काफ़ी दिनों से लगातार बारिश गिर रखा है फिर से, और पीछे में नज़ारा अभी देख सकते हैं, बादलों से ढका हुआ है आसमान अभी भी। और भाई को बोलने से भाई वीडियो अपलोड करने के लिए गया हुआ है, नेट भी इन दिनों और भी ज़रा स्लो हो गया, जैसे घर पर तो बहुत ज़रा स्लो ही रहता है, तो और भी ज़रा स्लो हो गया, तो ऊपर की ओर गया हुआ है, उसका भी वीडियो थोड़ा इन दिनों आने में लेट हो सकता है, बोल रहा था वो भी नेट का वजह से। इसके बाद देखो यहाँ पे है फिश पॉन्ड, फिश पॉन्ड को भी काफ़ी लोग दिखाओ दिखाओ बोल रहा था, तो मछलियाँ आई मीन पकड़ के, तो मछलियाँ तो पकड़ के दिखाएगा, बट अभी जून का महीना में हम आप लोगों को दिखाएगा, और कम से कम 2 महीना बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि तब 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें मछली डाला हुआ, एंड पूरा जंगलों से एकदम बढ़िया से ढका हुआ है जो, एंड फ्रेश वाटर है ये, एंड मछलियाँ भी है यहाँ पे, पानी गंदा है फिलहाल बारिश गिरने की वजह से, नहीं तो मछलियाँ दिखाई देते हैं कभी कभी। और हाँ, वैसे अभी कहाँ जा रहा है बोलने से, हम जो एक्चुअली पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया, एक्चुअली पिछला साल हम आई थिंक एक चीटी का वीडियो डाला था, स्क्रीन में भी अपीयर हो रहा होगा, कोई बात नहीं देख सकते, लेकिन उससे पहले ये वीडियो को देख लेना है, उसमें हम जो यहाँ का खाने लायक वाला एक चीटी होता है समय का, अभी का समय का, एंड बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, ब्रदर अभी डाला था लास्ट टाइम वीडियो में आई थिंक, वो जगह में वापस से जाएगा, उसमें पत्ता वगैरह ढक के रख गया था, चेक करेगा पत्ता वगैरह में वापस चीटी खाने लायक आया कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हम भी पूरा 1 साल बाद उसको देखने जा रहे हैं, सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सो अभी से लाइक कर देना, इसका वीडियो को स्किप नहीं करना है, तो चलिए अभी आगे पे सीधा मिलते हैं। मौसम पूरा क्लाउडी क्लाउडी है जैसे कि, और ये जो देख रहे हैं आगे में सामने में पेड़ सूखा हुआ दिख सकता है, बिल्कुल भी पत्ता नहीं है अभी, देखिए बट इसमें पत्ता लग जाएगा समय पे, ये भी कुछ फल का पेड़ है, खट्टा होता है जो कि अचार बनाए खाया जाता है यहाँ का लोकल लोग, बहुत टेस्टी होते हैं, एंड यहाँ पे बीचों बीच में इसका पत्ता निकला हुआ है, अलग अलग पेड़ का पत्ता है, ये हर एक पेड़ में एक्चुअली निकालता है, ये जो यहाँ का क्या लोकल नेम भूल गया इसका, ये इसमें भी फ्रूट्स बियर करते हैं आते हैं, छोटा छोटा करके होता है इसका फ्रूट्स, और बहुत ज़्यादा मीठा होता है, एंड पैरासाइट टाइप का है ये जो, दूसरा का पेड़ों का सहारे जिंदा होता है ये जो, शॉर्ट में अजीब है नेचर भी, एंड ये देखो पत्ता बिल्कुल सूखा है बोल के देख सकते हैं, लेकिन समय पे इसमें भी बहुत ज़रा पत्ता होके पूरा घना हो जाएगा ये एरिया ये पत्ता से। और हाँ, वैसे अभी हम पहुँचने वाला है वो एरिया में जहाँ पे हम पिछला साल जो वो चीटी का घर है इसको वापस से हम देखेगा बोल के बोला था, एंड जैसे कि 1 साल पूरा हो चुका है, ये देखो पूरा घना जंगलों से कुछ लोग बट यहाँ से गया ही लगते हैं, ये जगह पूरा साफ है, उम्मीद करता है कि कोई उसको ना ले जाए, पूरा जंगल बहुत ज़रा स्लिप है, पूरा जंगलों का अंदर में हम भूल चुका है वो जगह को, कहाँ में था ओ यही वाला था, तो भाई साहब हम वही कहीं में देख रहा था, इतना सामने में पहुँच चुका है जो कि अभी अदर इसको कोई देखा है क्या, पूरा 1 साल बाद इसको देखो किस तरह से ये, वाह, अरे इसमें चीटी नहीं लगते रे, इस बार चीटी होता तो इसका बाहर का स्किन में बहुत सारा घूमना था, यहाँ से हम ट्राई किया था, अरे ख़त्म हो चुका है, और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खाई है एकदम स्लिप है, तो पूरा खाई पे अपन तो ये रहा, इसमें अभी इसमें हम एक्चुअली पत्ता घुसा के रख दिया था,
कुछ भी नहीं है इसमें, हो गया है खाली। ये देखो पूरा गुफा है अंदर में, वाह कुछ भी नहीं है इस बार। इस बार इसमें चींटी नहीं लगाए, नहीं तो अक्सर चींटी वापस ये लोग बैठता था, वापस जरा ढक के रख देते। अनफॉर्चुनेटली आज खाली हो गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे है चींटियाँ काफ़ी सारा, ये जो दिख रहा है बाहर में चींटियाँ कितना करोड़ों में। इसका अंदर पे एक है इसका खाने वाला घोंसला, घोंसला में आई मीन है इसका अंडा। ये देखो ये जो ग्रीन ग्रीन करके दिख रहा है ना, इसको हटाने से पता है अंदर कितना सारा चींटियों का रास्ता है, सुरंग ही सुरंग। ये देखो ये यहाँ से होकर ऊपर तक गया हुआ है, ये काफ़ी पुराना होगा, ग्रीन ग्रीन है बाहर का, इसका सुरंग का रास्ता भी ऊपर ऊपर तक गया हुआ है। अब बाप रे, डेट मीन्स यहाँ पे बहुत सारा होगा चींटी खाने वाला। बट ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी भी मामूली नहीं है, बहुत ज़रा सख्त होते हैं। शायद इसका हम दाव से नहीं कर पाया क्योंकि मेरा दाव भी आज छोटा है। आप लोगों को एक बार हम दिखा देगा इसको अच्छी तरीके से, एक बार इस तरीके से। चलिए इसमें एक बार इसको स्टिक को घुसा के इसको एक्चुअली पता करते हैं। एंड ये देखो भाई साहब चिटिया भी साथ में आ गया। ये जो सफ़ेद सफ़ेद करके गीला गीला हो चुका है स्टिक, दैट मीन्स इसमें होता है अंडा। ये देखो वाइट वाइट करके अंडा लोग अंदर तक गया हुआ है, दैट मीन्स तो सरा लकड़ी में होता है, वो इजी होता है करने के लिए, फिर भी ये बहुत मुश्किल होगा, बट ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखने में क्या ही हर्ज है। तो काफ़ी देर का कोशिश का बाद फाइनली ये थोड़ा बहुत, देखो किस तरह से हम अपना ये जो दाऊ है, ये देखो दाऊ भी कैसे एकदम छोटा वाला दाऊ को लाया इस बार, क्योंकि हम सोचा था कि जो पहले साल का लाया उसको सिर्फ करी गल की बट आइडिया नहीं था, नहीं तो एक और दाऊ है मेरा बड़ा वाला उसको लेके आना था। एकदम हल्का दाऊ है, यहाँ से हम कैसे कैसे करके काफ़ी मेहनत के बाद थोड़ा बहुत निकालने लाइक आई थिंक हम कर लिए लग रहा है, यहाँ पे छेद बना लिए लगते। चलिए ये देखो मेरा लेफ्ट हैंड किस तरह से घुसते हैं, ये देखो भाई पूरा जबरा है ये इसका, पता नहीं कर पाए कि नहीं इसको, हम जितना हो सकते पता उतना कोशिश किया। ये देखो होना तो चाहिए, तो फ्रेंड्स अभी जैसा कि अंडा तो अंदर में थोड़ा सा है लेकिन हालत ख़राब हो रहा है मेरा अभी, एंड अभी थोड़ा बहुत कम पत्ता ढूंढ लिया जाएगा, जो अंडा है उसको वहाँ पे निकालेगा। मेरा हाथ भी ये देख सकते हैं पूरा काला काला हो चुका है, ऐसे ही होते हैं जहाँ में चींटी लोग अटैक करते हैं, ये लोग कुछ पानी पीते हैं ये लोग का, इसके उस वजह से ये ब्लैक ब्लैक बन जाते हैं। बट कोई नहीं है, तो चलिए खतरों का मोल लेके ट्राई करते हैं और कितना मिलता है देखते हैं अभी आगे पे। दाऊ का धार भी लिटरली ख़त्म हो गया एक बार में, तो जैसा कि ये रहा यहाँ पे है पत्ता, एंड ये देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक करके हाथों में निशान पड़ चुका है। एंड मेरा जो दाऊ है वो भी अभी अक्कम पत्ता काटते समय नोटिस किया कि धार ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये लकड़ी का जड़ है ना, और ये लकड़ी भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है। कौन सा लकड़ी है बोलने से, इसलिए जंगलों का एक नट्स होता है वाइल्ड नट्स, लेकिन नट्स भी तरह तरह का होता है, ये नट्स ऐसा वाला है जिसको नहीं खाया जाता है एंड बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। बट कोई नहीं, काम तो चला लिया इससे। तो चलिए फिर से कोशिश करते हैं, अभी पत्ता वगैरह भी ऊपर भी हम रख चुका है, रेडी होना पड़ेगा। एक दो तीन, अप्पा इसमें नहीं है ये वाला में, ये देखो अंदर पे सफेद सफेद करके,
नहीं कट रहे बोल के लग सकते, बट एकदम बहुत जोर का कट रहा है अंदर पे। अरे नहीं क्या, जहां मैं मेन अंडा वाला जगह तक मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ में है, ये वाला में है ऊपर, चारों तरफ चीटी चीटी है। वाह ये देखो सफेद सफेद करके काफी सारा है इसमें। तो फ्रेंड्स अभी काफ़ी सारे चीटियाँ हमको काट रहा था, दैट्स व्हाई थोड़ा वो रेस कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे कितना सारा है, हम बोला है ना इसमें बहुत सारा मिलेगा बल्कि, क्योंकि इसका बाहर का बहुत पुराना हो गया है। और भी है बाकी, तो अंदर पे अभी भी और निकालना बाकी है, मेरा हाथ सही से नहीं घुस पा रहा था, दैट्स व्हाई कोई कोई फूट गया क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होता है ये। और ये जो ब्लैक ब्लैक करके दिख रहा है ये लोग का घोंसला है, जो लकड़ियों से बनाया जाता है इसको, ये लोग बहुत आसानी से टूट जाते हैं। ये देखो गाइस साहब इतना तेज का कट है ना, मेरा हाथ पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। और हाँ ये देखो, ये देखो बाकी नीचे में गिर गया मिट्टी पे जमीन पे। और ये देखो यहाँ से अंदर में कुछ इस तरह से, वो देखो सफेद सफेद करके अंदर पे काफी सारा है, और भी कई लोग तो अंदर पे फूट गए। और बाहर पे तो पूछो ही मत कितना सारा चीटिया गार्ड करके बैठा हुआ है, जो बहुत मुश्किल से हम निकाल रहे हैं वो लोगों को। और भी बहुत सारा है क्योंकि ये देखो छेद बहुत छोटा है और बहुत लकड़ी ताफ है, इसको भी कैसे कैसे करके हम इस तरह से काट के बनाया गया, हाथ जने तने करके घुस पा रहे। अभी आप लोगों का हम हाथ किस तरह से घुसा के दिखाएगा, ये देखो इस तरह से घुसाया गया है। तरीका ये देखो अंडा, ये देखो कितना सारा है यहाँ में, वाह बहुत काट भी रहे, पूरा हाथों में मेरा निशान पड़ गया है रेड रेड करके, अजीब दिख रहे। फ्रेंड्स ये देखो पत्ता वापस घुसा के इसको रख देगा अंदर पे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये रहा अंदर भी पत्ता वगैरह भी नेक्स्ट ईयर के लिए देने के लिए, काफ़ी सारा चीटियाँ मंडरा रहे। ये देख सकते कितना खाई पे लिटरली, कितना मुश्किल जगह में इसको हम किया गया, लेकिन ये देखो आज का मेहनत। और भी था अंदर पे, और भी मेरा हाथ जहाँ तक नहीं पहुँच रहा था उसको तो हम छोड़ ही दिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सारा होता है जहाँ में मिलता है ये, इसको तारुक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन ये वाला जो प्रकार का है इसको सीजन पे अभी का समय में बड़ा चाव से खाता है यहाँ का गाँव वाला लोग और हम भी। ये देखो कितना सारा चीटियाँ भी, अभी इसको साफ़ करना पड़ेगा, ये जो ब्लैक वाला है और अंडा को, ये सेकेंड स्टेप है, स्टेप बाई स्टेप होता है, बहुत आसान काम नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़रा मुश्किल होता है कर इसको खाने के लिए। अब इसमें ये करना पड़ेगा, ये साफ करने का जगह बनाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये देखो काफ़ी सारे अंदर में, एंड हिलाने से भी ये देखो इसी चीज़ को ही चाहिए हम लोगों को, इसको इस तरह से झाड़ देने से निकल जाते हैं। देखो काफ़ी सारा आपने ये चीटियों का सामना करते हुए इसने भी करना पड़ेगा, काफ़ी समय लगता है इसको वापस से इस तरह से प्रोसेस में। अब ये खाली हो चुका पूरी तरह से, ये लोग ये वापस
बनने वाला था रे, ये देखो तुम टेस्टी। इसका हम एग्जैक्ट टाइमिंग में किए, नहीं तो ये लोग वापस टर्माइट जैसा ये लोग पंख निकाल के उड़ जाते साल में। तो अभी काफ़ी देर साफ करने के बाद एक्चुअली इसको हम लकड़ी से निकालने में जितना टाइम लगा था साफ़ करने में दो गुना टाइम लग गया जैसे लग रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है इसको साफ़ करने के लिए। और ये देखो बस इतना से ही निकल पाए और बाकी को तो हम साफ़ नहीं कर सके, बस छोड़ दिया इधर उधर। ये जो साफ़ किया है ये देखो मेरा हाथ भी पूरा निशान पड़ गया। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने के लिए, ऊपर से हम अकेले आदमी हैं और भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये जैसे कि इसको हम साफ कर चुके हैं, पूरा खा सकते हैं इसको। इसको कच्चा भी खा सकते हैं और पका के तो खाता ही है। चलिए अब इसको पैक कर लेते हैं। अभी जैसा कि चीटियों का इलाका से हम दूर बाहर की ओर निकल चुका है, रास्ता पे अभी घर की ओर बढ़ रहे हैं। एंड बॉडी में भी मेरा अभी भी चीटियाँ चलते हुए महसूस हो रहा है बाल में और पीछे में। घर जाके नहाना पड़ेगा अच्छी तरीके से। वाकई में भी सिंगल आदमी बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं है, स्पेशली थारू का जब साफ करने का पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। उसको निकालना तो फिर भी आप चलो फटाफट निकाल लेगा, बट जब साफ करते चीटी आपको दुमादुम काटेगा अच्छी तरीके से। एंड जैसे कि थोड़ा बहुत आज का मेहनत का फल अपने को भी मिला है थोड़ा बहुत खाने लायक, तो अभी इसको घर पे शाम को बढ़िया से पका के खाएगा। तो चलिए अभी घर चलते हैं एंड घर पे चल के अपन भी नहा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखो शाम हो चुका है, बारिश भी आ रहा है और ऊपर में पीछे में देख सकते हैं बहुत सारा टर्माइट्स का जो बच्चा होता है पंख वाला जो उड़ रहा है। हम भी उसको पीछे में ये देख सकते हैं मच्छरदानी लगा के, ये देखो पकड़ने का कोशिश कर रहा है। और ऊपर में देख सकते हैं कितना सारा है। ये अभी महीने का लास्ट तंगमीन होगा, इसके बाद ये नहीं उड़ेगा, ये लोग सीधा अभी दूर पे उड़ जाएगा। एंड ऊपर में देखो बारिश भी गिर रहा है साथ में, ताजुब सा बात है। आज थोड़ा बहुत धूप दिया था दस बजे, ये लोग भी उड़ रहे हैं, देखो कितना सारा है। हम भी पकड़ने का कोशिश करेगा, ये देखो बिलों से निकल रहे बारिश में भी। काफ़ी दिनों से बारिश हो गई, ये लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला था दस बजे। आज थोड़ा सा धूप में भी ये लोग निकालने के लिए पूरा, ये देखो इतना सारा निकल रहे पूरा धुमाधुम। ठीक से पकड़ के रखना पड़ेगा, कल परसों मछलियाँ जब पकड़ने जाएगा नहीं मिलेगा। पकड़ के बोतल में बंद करके रख देने से मछलियाँ जब हम पकड़ेगा तब काफ़ी काम आएगा। जहाँ तक चेंडा ही चेंडा पूरा आंगन में, किस तरह से पकड़ेगा कन्फ्यूज हो रहे। ऊपर से बाई भी नहीं, चार्ज गया हुआ है। ये देखो मच्छरदानी में भी ढेर सारा फसकी बैठा है, बारिश भी से है। ये देखो मच्छरदानी का अंदर में किस तरह से, वाह ये बेस्ट है पकड़ने का तरीका, हाथ चिकी की जरा नहीं पकड़ सकते। तो फ्रेंड्स अभी हम घर के अंदर में मच्छरदानी वगैरह का सबको ला चुके हैं। ये देखो ये जो डब्बा इसका अंदर में हम डाल रहे हैं, स्पेस अंदर में ज़्यादा है, बड़ा स्पेस में रखने से थोड़ा दिन तक ये लोग जिंदा रहते हैं फ्रेश रहते हैं, क्योंकि ये लोग मर जाने के बाद मछलियाँ लोग वेट नहीं करते। अंदर पर काफ़ी सारा हम पकड़ चुके हैं और घर का अंदर में ये बहुत सारा उड़ रहे टर्माइट्स का ये जो तकमीन है एंड आग वगैरह भी अभी तक नहीं जला है, इसको फटाफट
काफी सारा है, बहुत सारा, हमको टाइम लग जाएगा इसको अभी अभी निकालते निकालते। तो हाँ, अभी जैसे कि मेरा तकमीन जो है टर्माइट्स का बच्चा, उसको पकड़ के डब्बा में डाल के रखा है बाहर में, कल परसों जब अच्छे से धूप देगा नदी पे फिशिंग करने जाएगा हम। एंड हाँ, अभी हम जो जंगलों से हम आज को शिकार किया था चींटी का अंडा, उसका भी पकाने जा रहा है। वैसे ब्रदर अभी तक चार्ज गया हुआ था जैसे कि, सो मोयोंगा में वो होल्ड हो गया, सो फोन करके हमको बोल रहा था मोयोंगा में आज को डिनर करेगा, आप खा लो बोला है। सो अभी जैसे कि हम अकेला ही डिनर करना पड़ेगा बाद में, लेकिन सोने टाइम को आ जाएगा। नहीं, ये देखो यहाँ पे है, जिसको साफ कर चुका है। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये थोड़ा बहुत रह ही जाता है, बट कोई नहीं, पकाते समय ये हवा में तैरने लग जाएगा खुद से। और ये देखो पागल पानी है, फटने लग जाएगा अभी, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते, कच्चा भी खाया जाता है जैसे कि, और पका के ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जैसे कि बहुत नरम है, दस बार जल्दी से फूट जाते हैं, पकने का सख्त हो जाएगा ये। यहाँ पे है नमक, बस। तो हाँ, अपना डिनर रेडी है। ये देखो यहाँ पे है चीटी, तारुक बोलते हैं इसको जैसे कि, इसी तरीके से इसको यहाँ में झूल डाल देगा। कुछ नहीं, आज ऑमलेट है, तारुक है, दैट्स इट, और चावल। आके बहुत ज़रा भूख लग रहा था, सीधा हम खाना खाया था, दैट्स व्हाई इतना भूख नहीं लग रहा हमको भी। रात को बिना खाए नहीं सोने बोल गया, सब बोलते हैं बड़ा बुजुर्ग लोग, दैट्स व्हाई हमेशा थोड़ा बहुत खा के सोना ही बोलते हैं, दस भाई हम भी खा रहे हैं। भगवान को आज का खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग भी बोलते हैं कि प्रेयर वगैरह भी नहीं करते होगे, तो करते हैं जरूर, बट वही कि कैमरा में हर बार दिखाना भी तो सही नहीं आते भाई। चलिए शुरू करते हैं। वाह, इतना साफ करने में हम एक्सपर्ट नहीं है, जब तो मेरा में थोड़ा थोड़ा लकड़ी का वो छाल रही है, नहीं तो इसको बढ़िया से कोई लोग साफ करते जो एक्सपर्ट है। अंडा, लोकल अंडा का लोकल ऑमलेट, ब्रदर के लिए भी रख दिया यहाँ पे, कल सवेरे को आके खा लेगा। होगा कई कई को पसंद नहीं लग सकते, बट जो खाते हैं उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद लगेगा, एडिक्ट भी हो सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी इसको भी हम खा लेंगे खाना आज का। ब्रदर भी जैसे कि आज ने मोयंग या लुका में, मासी लुका में डिनर कर रहे चार जाने ला, तो कोई बात नहीं, अपन जैसे कि आज का डिनर खुद ही कर लिया, खुद नहीं है। आप लोग भी साथ में कमेंट में भी बोलते हैं कि खाना खाते समय मेरा वीडियो को देखते बोलते, कोई लोग हो सकते कि खाना एग्जैक्ट खा रहा हो अभी जब मेरा वीडियो को देख रहा हो, सामने एक साथ ही खाना खा रहा है जैसा हो गया। और हाँ, आने वाला ब्लॉग के लिए कोई नया होने से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एंड लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, सो आने वाला वीडियो में अभी सीधा मुलाकात होता है, तो आने वाला वीडियो के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।